नमस्ते दोस्तों, आज हम आर्टिकल कास्ट से इस पार्ट शुरू करते हैं। आर्टिकल का हमने कल इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल जिसमें होता है दे। अब मित्रों, कईयों को प्रॉब्लम आती है कि इसको हम दे बोले या दा बोले या इसको दी बोले। तो इसको दा तो बोला नहीं जाता है, या तो हम इसको दे बोलेंगे या इसको हम दी बोलेंगे। ये कैसे पता चलेगा? इसके बारे में हम जिस शब्द के साथ इस टीएचई को लगाएंगे उस शब्द के साउंड को देखेंगे। शब्द के क्या देखेंगे? साउंड को देखेंगे। अगर वह साउंड आपके कंसोनेंट साउंड आती है, कौन सी साउंड आती है? कंसोनेंट साउंड आती है। तो कंसोनेंट साउंड आती है तो मित्रों इसको हम बोलेंगे द। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम द। और अगर वॉवेल साउंड आती है, वॉवेल साउंड यानी स्वर, स्वर ध्वनि आती है तो हम इसको बोलेंगे दी। यानी क्या बोलेंगे? इसको दी बोलेंगे। अब देखें, हम डेफिनेट आर्टिकल यानी दे का प्रयोग तीन कंडीशंस पे करते हैं मेनली। नंबर एक, नाउन कैसी हो? अनकाउंटेबल हो। नाउन कैसी हो? अनकाउंटेबल। दूसरी बात, नाउन कैसी हो? प्लूरल। तीसरी बात, नाउन कैसी हो? आइडेंटिफाइड। कैसी हो? आइडेंटिफाइड। अब प्रश्न आता है हमारे पास कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। नाउन को आइडेंटिफाई हम तीन तरीके से कर सकते हैं। नाउन को आइडेंटिफाई हम मित्रों तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे नाउन को आइडेंटिफाई हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? तीन तरीकों से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउन को तीन तरीकों से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है? नंबर एक, एनाफोरिक यूज ऑफ द। नंबर दो, कैटाफोरिक यूज ऑफ द। और नंबर तीन, होमोफोरिक यूज ऑफ द। यानी नाउन को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम तीन तरीकों से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके पास एनाफोरिक यूज ऑफ द आ गया, एक आपके पास कैटाफोरिक यूज ऑफ द आ गया, और एक आपके पास होमोफोरिक यूज ऑफ द आ गया। अब हम तीनों का अलग अलग एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम लेते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। एनाफोरिक यूज ऑफ द, इसमें क्या होता है? किसी नाउन का एक से अधिक, किसी नाउन का एक से अधिक बार जिक्र हो। यानी एनाफोरिक यूज ऑफ द इसमें क्या करते हैं? किसी नाउन का एक से अधिक बार जिक्र हो। यानी नाउन क्या हो रही हो, नाउन हमारे पास रिपीट हो रही है। नाउन क्या हो रही है? हमारे पास रिपीट हो रही है। नाउन दोहरान हो रही है, नाउन को दोहराया जा रहा है, नाउन की पुनरावृत्ति हो रही है। और जब नाउन को बार बार दोहराया जा रहा है तो वो नाउन पर्टिकुलर बन जाती है, और पर्टिकुलर नाउन बन जाती है तो उस नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं मित्रों? द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। अब देखिए कैसे, जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है,
saw a woman. Woman was carrying a baby. फिर हमारे पास आता है बेबी वॉज क्राइंग। अब इससे आप आसानी से समझ सकते हैं मित्रों, इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से, आई सा ए वुमन। अब इसमें यहां वुमन का एक बार चर्चा हो गई, नाउन है वुमन, चर्चा हो गई, फिर ये दोबारा से वुमन आ गई, तो मित्रों एक से अधिक बार चर्चा हुई, ये नाउन दोबारा रिपीट हुई, और जहां नाउन रिपीट होती है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो हम देखो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या हो गया, वुमन, क्या हुआ वुमन, तो व्यंजन है ना, ये व्यंजन है, तो इसके पहले हम इसको क्या बोलेंगे, द। और कंसोनेंट होता, सॉरी वोवेल होता, तो वोवेल से पहले इसको बोलते हैं हम दी। अब देखो द वुमन वॉज कैरिंग ए बेबी, बेबी आ गया एक बार, अब फिर दोबारा से नाउन है बेबी, और फिर ये बेबी दोबारा से आ रहा है, इसका मतलब इस बेबी नाउन का दोबारा से क्या हो रहा है मित्रों, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और जो नाउन रिपीट होती है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये नाउन रिपीट हुआ, और रिपीट होते हैं हम क्या लगा दें, यहां पर दे लगा दें। यानी एनाफोरिक यूज ऑफ दे का मतलब क्या है हमें, कि कोई नाउन कितनी बार रिपीट हो रही, एक से ज्यादा बार रिपीट होती है तो वो नाउन पर्टिकुलर बन जाती है, और जब नाउन पर्टिकुलर बन जाते हैं उस नाउन से पहले हम दे लगाते हैं। देखिए आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई सा ए वुमन, ये वुमन आ गया, और द वुमन वॉज क्राइंग ए बेबी, क्योंकि ये वुमन दोबारा से यहाँ चर्चा हो गई तो इससे पहले दे लगाएंगे, फिर बेबी का चर्चा हो गई, द बेबी वॉज, तो इस बेबी ये पर्टिकुलर बन गया, और इससे पहले भी हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, दूसरा हमारे पास से इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका है, और वो क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास कैटा फोरिक यूज ऑफ दे, यानी कैटाफोरिक तरीके से हम दे का उपयोग करेंगे। कैटाफोरिक में मित्रों क्या होता है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और जो भी आपको कमेंट्स से, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसके लिए आप कमेंट्स डालिए। कैटाफोरिक यूज, कैटाफोरिक यूज में क्या होता है मित्रों, कि जिस नाउन से पहले हमें, नाउन से पहले हमें लगाना है द, किसी नाउन से पहले क्या लगाना है हमें, यहां पर लगाना है आपको ये द लगाना है या दी लगाना है, तो इस नाउन के लिए, नाउन के लिए, नाउन के बाद, नाउन के लिए, नाउन के बाद, यानी इस नाउन से पहले लगाना है तो नाउन के लिए, नाउन के बाद, ये छह, कितने छह पोस्ट मोडिफायर, कितने छह पोस्ट मोडिफायर आते हो, कितने आते हो छह पोस्ट मोडिफायर आते हो, तो उस नाउन से पहले हम दे लगाएंगे। दोबारा से समझना इससे कॉन्सेप्ट को, कोई नाउन है जिससे पहले हमें दे लगाना है तो उस नाउन को देखना है, नाउन के लिए, नाउन के बाद छह पोस्ट मॉडिफायर आते हैं तो हम दे लगाएंगे। अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि छह मॉडिफायर क्या हैं, इनको हम कैसे समझें, तो हम इन छह मॉडिफायर्स की चर्चा करते हैं। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं, छह मॉडिफायर क्या क्या है, नंबर एक आपका आता है वर्ड, नंबर एक पे क्या आता है वर्ड, नंबर एक पे क्या आता है वर्ड, नंबर दो पर आपका आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज, नंबर तीन पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट
पार्टिसिपल। नंबर चार पर आता है पास्ट पार्टिसिपल। नंबर पांच पे आता है आपका टू इनफिनिटिव और नंबर छह पे आता है क्लोज। मित्रों समझना इनको कि नाउन के बाद, नाउन के लिए, नाउन के बाद अगर ये छह पोस्ट मॉडिफायर्स आते हैं तो उस नाउन से पहले हम द का यूज करें। सिंपल सी भाषा में कि किसी नाउन के बाद अगर ये छह क्या है, ये छह पोस्ट मॉडिफायर्स, अगर ये छह पोस्ट मॉडिफायर्स का प्रयोग होता है तो उस नाउन से पहले हमें द का यूज करना है। सिंपल सी भाषा में है। आप इनको इस इनको उतारना चाहते उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा आगे चलते हैं, मिटाता हूं इसको। देखिए जैसे एग्जांपल यहां पर ब्लैंक छोड़ देता हूं मैं, बॉय देयर इज माई स्टूडेंट। मित्रों ये नाउन बॉय है, क्या है नाउन, बॉय बॉय बॉय, बॉय के बाद में और बॉय के बाद में बॉय के लिए शब्द क्या आया, देयर आया। बॉय के बाद में शब्द क्या आया, देयर आया, ये वर्ड आ गया। और जब वर्ड आ गया तो नाउन क्या हो गई, नाउन क्या हो गई, पर्टिकुलर हो गई, यानी ये हमारे पास कैटाफोरिक यूज ऑफ द का यूज हो रहा है। यहाँ पर नाउन के लिए नाउन के बाद में कोई शब्द आता है, फिर देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ रही, तो ये नाउन के लिए आया ना देर, ये देर किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। तो नाउन के लिए जहां पर ये शब्द आता है तो उस नाउन से पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है, द लगाना है, द लगाना। तो यहाँ क्या लगाए, द बॉय देयर इज माय स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, बॉय इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर इज माय स्टूडेंट। बॉय इन द कॉर्नर इज माय स्टूडेंट, ये नाउन आ गई और नाउन के बाद में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है मित्रों, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। जहां पर प्रीपोजिशन लग के किसी नाउन के साथ में जुड़ के आता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल का काम करती है, किसका काम करती है मित्रों, एडवर्बियल का काम करती है। आपसे पूछ लें कि प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज को आप बताइए कि है क्या ये सेंटेंस एलिमेंट्स में, तो ये एडवर्बियल है, एडवर्बियल है। जैसे हम मैं कहूँ एट नाइट, तो इसमें देखिए नाइट नाउन है और इससे पहले एट क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुई। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये किसका काम कर रही है, एडवर्बियल का काम कर रही है। अब देखो इसमें क्या ऐसा रूल लग रहा है क्या, ये देखो इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये कॉर्नर क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल नाउन के साथ ही आते हैं, नाउन के साथ ही आते हैं आर्टिकल, आर्टिकल आते हैं तो इसका मतलब वो नाउन है। अब इसमें सिंपल सी बात है, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, यानी किसी नाउन के बाद नाउन के लिए, नाउन के बाद नाउन के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है तो उस नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्लियर है, तो देखिए हम इसमें क्या लगाएं, द लगाए। तेज से बात करते हैं, हम मिटा दो। तीसरे सेंटेंस की चर्चा करते हैं, हमने तीसरा बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। मित्रों प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है वो आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो पास्ट पार्टिसिपल है
वो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो क्या है कि आईएनजी लग के आता है, क्या लग के आता है, आईएनजी लग के आता है, और पास्ट पार्टिसिपल में आपके पास थर्ड फॉर्म लग के आता है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। अब इसमें देखिए मित्रों, ये नाउन है, नाउन के बाद में ये देखो वर्ब में क्या जुड़ के आ गया, आई एन जी जुड़ के आ गया। तो ये हमारा सिटिंग इन द कॉर्नर पूरा का पूरा क्या हुआ, ये सिटिंग इन द कॉर्नर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी नाउन के बाद नाउन के लिए अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो नाउन पर्टिकुलर हो जाती है, वहां कैटाफोरिक यूज ऑफ द का यूज होता है, वहां उस नाउन से पहले द का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूं, द। ये किसका काम करता है मित्रों, ये एडजेक्टिव का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बॉय बीटन टू डेथ बाय द पुलिस इज माई स्टूडेंट। बॉय बीटन टू डेथ बाय द पुलिस इज माई स्टूडेंट। अब इसमें हमारे पास नाउन क्या है, इसमें हमारे पास नाउन बॉय है, और इस बॉय नाउन के लिए, बॉय नाउन के लिए, बॉय नाउन के बाद, बॉय नाउन के लिए, बॉय नाउन के बाद हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल का ही पार्ट है। क्यों, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे बीट 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 और बीटन, तो ये बीटन कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म हुई, और थर्ड फॉर्म आती है तो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल बना, नाउन के लिए, नाउन के बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है, क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो उस नाउन से पहले हम दैट लगाते हैं, उस नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं मित्रों, दैट लगाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, बॉय टू अराइव इन टाइम इज माई स्टूडेंट। अब देखो नाउन वही हमारी बॉय है, इसके बाद में टू इन्फिनिटिव आ गया, क्या गया, टू इन्फिनिटिव, नाउन के लिए, नाउन के बाद में टू इन्फिनिटिव आ गए। टू इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, नाउन के बाद नाउन के लिए टू इन्फिनिटिव आता है तो हम उस नाउन से पहले क्या लगा देते हैं मित्रों, द लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई स्टूडेंट। अब देखो ये नाउन है, और नाउन के बाद
ये क्या रहा है, क्लोज आ रहा है, क्या रहा है, क्लोज आ रहा है। नाउन के बाद नाउन के लिए क्लोज आता है, नाउन के बाद नाउन के लिए क्लोज आता है, तो उस नाउन से पहले हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। अब कईयों की प्रॉब्लम है कि सर क्लोज क्या होते हैं, क्लोज का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होती है उतने क्लोज होते हैं। अब ये पूरा सेंटेंस देखिए, इसमें देखो इस पार्ट में क्लोज है या नहीं है, और ये यहां तक का पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब हम इस सब्जेक्ट को तोड़ते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, जब हम सब्जेक्ट को तोड़ते हैं तो सब्जेक्ट में भी हमें क्लोज मिल रहा है, सब्जेक्ट में क्लोज मिल रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ रही है और ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ रही है, तो ये हमारे पास क्लोज है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। क्लोज का टॉपिक मैं अलग से विस्तृत रूप में अलग से डालूंगा, उसको वहां समझाऊंगा। अब हम चर्चा करते हैं, हमारे पास छह आ गए कैटाफोरिक यूज ऑफ द में, ये छह पोस्ट मॉडिफायर्स हैं जिनके मैं एग्जांपल सहित समझा दिया। सबसे पहले फिर बता देता हूं मैं कि नाउन के बाद नाउन के लिए छह अगर पोस्ट मॉडिफायर्स आते हैं तो वह नाउन क्या हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाते हैं, उस नाउन से पहले द लगाते हैं। वर्ड आए, प्रीपोजिशनल फ्रेज आए, प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल आए, पास्ट पार्टिसिपल आए, आपका टू इन्फिनिटिव आए और क्लोज आए। अगर ये नाउन के बाद नाउन के लिए आते हैं तो उस नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट हमारे पास है होमोफोरिक यूज ऑफ द। नेक्स्ट हमारे पास होमोफोरिक यूज ऑफ द। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा है आइडेंटिफाई करने का तरीका, होमोफोरिक यूज ऑफ द। होमोफोरिक यूज ऑफ द में हमें मित्रों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नाउन को कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। होमोफोरिक यूज ऑफ द में नाउन को कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जिस पर्टिकुलर की चर्चा हो रही है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए मैं आपको कहूं सिंपल से भाषा में, राइट इट ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, तो इस ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है ना। कॉन्टेक्स्ट यानी स्पेशल बात, चर्चा किसकी हो रही है, स्पेशल जिसकी चर्चा होती है वो होमोफोरिक यूज ऑफ द में आता है, जिसकी पर्टिकुलर चर्चा होती है, कॉन्टेक्स्ट की चर्चा होती है, कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है। तो चर्चा किसकी हो रही है, स्पेशल ब्लैक बोर्ड की, इसी ब्लैक बोर्ड की चर्चा हो रही है, तो इस ब्लैक बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसी ब्लैक बोर्ड की चर्चा हो रही है, इस ब्लैक बोर्ड से पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। जैसे मैं कहूं ओपन डोर, इसका मतलब इस पर्टिकुलर डोर की चर्चा हो रही है, पर्टिकुलर डोर की चर्चा हो रही है, तो इस डोर से पहले हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। मैं कहूं क्लीन फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श होता है, कि फर्श को साफ करो, यानी इस पर्टिकुलर फर्श की चर्चा हो रही है, तो इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, इसमें दे लगा दूंगा। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।